क्या ये सरकारी दबाव और सत्ता का रसूख है जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस ये पता लगाने में ताकत नहीं झोंक रही कि वो जो टूल किट था कथित वो मैनिपुलेटेड है या नहीं है, वो ट्विटर से पूछ रहे हैं। ये तो सेकेंडरी बात है ना, पहले तो वो देखे कि जो पेपर्स आपने पोस्ट किए थे वो मैनिपुलेटेड है या नहीं है, वो फोर्ज्ड है या नहीं है, उनमें दो पेजेस ऐड किए गए हैं या नहीं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, मेन काम पर ध्यान नहीं है, ट्विटर को टारगेट किया जा रहा है, क्या ये आप लोगों का दबाव है? अंजना जी, मुझे लगता है कुछ तथ्यों से अवगत कराया जाना चाहिए आप लोगों को भी, क्योंकि बिना तथ्य जाने बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। मैं तथ्य से अवगत कराता हूं। दिल्ली पुलिस ने नंबर एक कोई रेड नहीं किया ट्विटर की दफ्तर में, नोटिस इशू करने गई थी उनको। क्यों नोटिस देने जाना पड़ा? क्योंकि आजकल तो ईमेल का जमाना है, ईमेल में भी नोटिस दिया जा सकता है, दफ्तर में जाके नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, खास करके तब जबकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। इसलिए क्योंकि पहले दिल्ली पुलिस ने मेल पे भेजा। मेल किसको भेजा? मेल भेजा गया महेश्वरी जी को, मनीष महेश्वरी जी को, जो कि अपने आप को मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया इंक ट्विटर के कहते हैं, और उनका इंटरव्यू भी इकोनॉमिक टाइम्स इत्यादि में छपा, और उन्होंने ये स्वीकार किया है कि कंटेंट के लिए, भारत में जो भी कंटेंट है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। इस मेल में क्या लिखा था? इस मेल में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने लिखा कि हम एक टूल किट को लेकर जांच कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास आई हैं और ऐसा प्रतीत होता है उसको लेकर आपके पास कुछ जानकारियां हैं, कृपया करके वो जानकारियां आप हमसे साझा करेंगे तो हमें इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी। देखिए, ये एक रिक्वेस्ट है, ये कोई फरमान नहीं है। ये रिक्वेस्ट को कंसीड करने में क्या बुराई है? तो मनीष महेश्वरी जी जो MD हैं, उन्होंने लिखा कि देखिए, मैं ट्विटर इनका MD नहीं हूं, ये गलत एड्रेस पे आपने ईमेल भेज दिया और मैं जानता नहीं हूं बॉस कौन है। तो बाध्यतम स्पेशल फोर्स की, दिल्ली पुलिस की, वो इनके दफ्तर गई, क्योंकि एक एम्बिग्विटी था कि आखिर मालिक कौन है, और वहां वो नोटिस दे के आई कि जो भी आपके मालिक हैं, जो भी यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो कृपया करके वो साझा करें इंफॉर्मेशन कि इस टूल किट को लेकर आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है जिसके बिना पर आपने इसे मैनिपुलेटेड करार दिया है। अंजना जी, ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये कहां से गैर डेमोक्रेटिक है? क्यों कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ट्विटर सवालों से ऊपर तो नहीं है? पुलिस और हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ही जांच करेंगी ना, या ट्विटर ही आप लोगों के लिए जज, जूरी है और एग्जीक्यूशनर? सवालों से तो इस देश में कोई भी ऊपर नहीं है। इस देश के कानून और व्यवस्था पर सबको सवाल खड़े करने चाहिए और सवालों का सामना करना चाहिए। मैं छोटी सी बात आपसे बोलना चाहती हूँ। इन्होंने एक फेक टूल किट, जो कि इनका नेचर रह चुका है, पास्ट में भी 18 बार इन्होंने झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगी। इन महानुभाव ने एक फेक टूल किट चलाया और उसको कांग्रेस का बताया। कांग्रेस पार्टी ने उसी दिन इसका खंडन करके कहा कि नहीं, ये फेक है, ये फॉर्जरी है, ये हमारे दस्तावेजों के साथ खिलवाड़ है और ये पूर्णतया गलत है। उसके बाद हमने कंप्लेंट ट्विटर में इसके बारे में रजिस्टर करी और उसी समय हम दिल्ली पुलिस में FIR करने गए। 48 घंटे तक दिल्ली पुलिस ने इस पर कोई FIR नहीं करी, जिसके बाद SNSUI ने छत्तीसगढ़ में इस पर FIR कर दी थी, जहां पर हम को एप्लीकेंट बन गए, INC इंडिया की मेन पार्टी को एप्लीकेंट बन गए। अब मैं ये पूछना चाहती हूं कि दिल्ली पुलिस ने उस समय मामले को संज्ञान में नहीं लिया? हमने हर तरह से प्रूफ करने की कोशिश करी कि इन्होंने वो तथाकथित डॉक्यूमेंट फेक और फॉर्जरी से बनाया है, उसके मेटा डेटा, जो कि राइट क्लिक करने पे प्रॉपर्टीज आती है, उसके साथ खिलवाड़ किया है और अब इनको एक पुलिस की तरफ से नोटिस आया है। अगर दूध का दूध और पानी का पानी ही होना है तो ये महानुभाव प्रोब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हैं? एक क्लिक से आप ऑनलाइन प्रोब ज्वाइन कर सकते हैं, अपना वक्तव्य दीजिए वहां पर। आप तो कह रहे हैं आप रिलीफ वर्क कर रहे हैं, ये रिलीफ वर्क चल रहा है 6 से 7 या 5 से 5.5 या जहां पर भी थे, या अगली बार जाएंगे बनाना रिपब्लिक, वो रिलीफ वर्क रहेगा। एक बात दूसरा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूं अंजना जी। एक व्यक्ति ने बोला ये दस्तावेज हमारे हैं, हमने उसका खंडन किया, हम पुलिस के पास गए, पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, जो कि आतंकवाद के मामले में तफ्तीश करती है, वो ट्विटर के ऑफिस पहुंच गई वहां पर नोटिस सर्व करने के लिए। फूल किट, मट्टी पलेद हुई, झेप मिटाने के लिए ट्विटर के ऑफिस पहुंचे, जबकि वहां पर पिछले मार्च 2020 से वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। आप ये सोच लीजिए कितनी मिट्टी पलीद सरकार अपनी कराने पर तुल गई है एक झूठे दस्तावेज को गलती से सच साबित करने के लिए। वो डॉक्यूमेंट जिसका कंटेंशन है, जिस पर कांग्रेस ने शिकायत की है, वो फोर्ज्ड है या नहीं है? ट्विटर पर आप करें कार्रवाई, लेकिन वो सेकेंडरी कार्रवाई हो सकती है। मेन कार्रवाई तो ये है कि आप पता लगाएं ना, और आप डंके की चोट पर कहें भाई ये फेक है, नहीं ये रियल है। लोग कहेंगे, कांग्रेस वाले क्या कहेंगे, इससे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थोड़ी चलती है।
अंजना जी, बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहूंगा कि मैं बुद्धिजीवी नहीं हूं, हमारे विद्वान पैनलिस्ट बुद्धिजीवी हैं। मैं एक पुलिसकर्मी की ठस बुद्धि से बताना चाहूंगा कि मेरे दो कान हैं या चार कान हैं, ये कोई बहुत क्रांतिकारी काम नहीं है। ये बहुत जल्दी पता लग सकता है कि मेरे दो कान हैं या चार कान हैं। मेरे कार्यकाल में ये ट्विटर और फेसबुक में आए थे और उनको बुला लिया था टाई वाई पहन करके, बड़े फैशनेबल कपड़े, कि श्रीमान जी अगर आप जानते हैं आपके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, अरे विक्रम जो मैं सूचना मांग रहा हूँ दे दीजिए, वरना आप यहाँ से जाएंगे सीधे जेल। ट्विटर का जो काम करने का तरीका है मैं आपको समझाती हूँ, ये कैसे उलझाते हैं और कैसे यहाँ के ऑफिशियल्स को गचका देते हैं। जिन अधिकारी साहब को चिट्ठी लिखी गई है वो कह रहे हैं कि मैं तो सेल्स वगैरह देखता हूँ, मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि ये प्रक्रिया कौन है, मैनिपुलेटेड मीडिया कौन लिखता है, ये लोग उलझाते हैं। अधिकारी का तो ये काम है ना कि डॉक्यूमेंट पता कीजिए आप। Where there is a will, there is a way. और अगर हम उसे चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं, अभी मैंने पूछा कि चोकसी साहब क्यूबा पहुंच गए हैं, चोकसी साहब क्यूबा पहुंच गए हैं, उनके साले बहनोई तो नहीं क्यूबा पहुंच गए हैं, उनके ससुराल वाले तो नहीं पहुंच गए हैं, अगर पुलिस वाले अपने पे आ जाएं, क्या ट्विटर और क्या फेसबुक, हर आदमी दस्तयाब हो जाएगा। लेकिन आप पहले तय कर लीजिए आप चाहते क्या है। अमेरिका में रहता है ना सर, वहीं से करता है, जो भी करते हैं, जो मालिक है जैक डॉर्सी वहां पर है अमेरिका। वो तो ठीक है, जो जहां पर है वो तो है, लेकिन उनका साम्राज्य यहाँ से जो आर्थिक संपन्नता और वैभव जो हमसे आपसे प्राप्त कर रहे हैं उसके चैनल तो आप सुखा सकती हैं। आप पहले तो मैनिपुलेटेड मीडिया लिख देते हैं, और ऐसा नहीं है, उन्होंने ट्रंप के भी, उस वक्त हमने देखा था अमेरिकी चुनाव में ट्रंप के कई, उनको प्लेटफॉर्म से भी हटा दिया, वहां पर प्रॉपर हियरिंग हुई, लेकिन क्या ऐसी हियरिंग के लिए वो इंडिया में आएंगे जैक डॉर्सी। सवाल यह है कि आपको कम क्लीन आना होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ के ऑफिसर्स को कह दीजिए कि हमें तो जी जानकारी नहीं है, अलबेले बने फिरे वो, और फिर वहां जैक डॉर्सी अमेरिका में है और वो जांच और ट्रांसपेरेंसी हटा दे और बिल में घुस जाए। जी अंजना, आपने ठीक कहा, दोनों पार्टियों के प्रवक्ता ने अपनी अपनी बात कही, लेकिन मैं आपकी दर्शकों को थोड़ा और ऊपर लेके जाऊंगा ग्लोबल लेवल में। जैसे आपने कहा, जब ट्विटर ने ट्रंप को, जो उनके इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे उस दिन, उसको अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया, जिस ट्रंप को आज तक उनकी सरकारों ने, उनके कोर्ट ने इम्पीच नहीं करा, उसको एक प्लेटफॉर्म ने हटा दिया, तो तब से ट्विटर पर सवाल तो खड़े हो गए ना, उनकी ट्रांसपेरेंसी पे भी और उसकी कंसिस्टेंसी पे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा और आपकी जनता समझ जाएगी। जगदीश मामाडिला जेएनयू के वीसी हैं इस समय, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनका उनका हैंडल वेरीफाई नहीं है, लेकिन उमर खालिद जो उनका एक वहां का एक स्टूडेंट है जो दिल्ली राइट्स में आरोपित है, उसका हैंडल वेरीफाई है। क्या लॉजिक है भाई, आप एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के वीसी का हैंडल वेरीफाई नहीं करेंगे लेकिन एक आरोपी का हैंडल वेरीफाई कर देंगे। तो जब बिग टेक कंपनियां, जो आपने दिखाया डेटा, आपने अच्छा दिखाया, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, अब ये सरकारें बदलने में लोगों की मानसिकता में क्या पढ़ा जाएगा क्या नहीं पढ़ा जाएगा इस पे जब आने लगी हैं, तो ये फिर एक चिंता का विषय बन गया है। अभी शर्जील उस्मानी ने लिखा, जो भी जय श्री राम कहेगा वो टेररिस्ट है, वो मैनिपुलेटिव मीडिया नहीं है। देखिए, एक दिन में 50 करोड़ ट्वीट होते हैं, कैसे फैक्ट चेक कर लेते हैं वो एल्गोरिथम, ये तो बता देगी कि हाँ भाई ये इसमें गाली बोली है, ये अब्यूसिव है, लेकिन कोई एल्गोरिथम ये नहीं बता देगी कि मैनिपुलेटिव मीडिया है कि नहीं है। फिर तो हम पुलिस कोर्ट सब बंद कर दें, ट्विटर के दफ्तर में खड़े हो जाएं सब लोग, सारी कोर्ट कचहरी वहीं लग जाए, ये प्रॉब्लम है।